आवाज नहीं आई, बोले भारत माता की जय। युवा तरुणाई हमारे साथ में है जिसमें जोश है, राष्ट्रभक्ति का भाव है और आज प्रदेश के युवा हृदय सम्राट और यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के श्री अखिलेश पांडे जी के, अभिलाष पांडे जी के स्वागत के लिए यहां पर आए हुए हैं। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी का मैं इस मंच के माध्यम से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय अभिलाष पांडे जी, जिनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरुणाई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए उत्कट होकर के आगे बढ़ रही है और उनके मार्गदर्शन में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 2018 और 2019 विजय के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगी और युवाओं में जो जोश भरा जा रहा है जिस तरीके से, उसके लिए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अभिलाष जी। हमारे साथ विराजमान है मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जो कि संगठन के लिए निरंतर काम करते हैं, अनवरत काम करते हैं और सबका मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय श्री पीताम्बर जी रूपनानी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया, पूरी टीम को इकट्ठा किया और एक संगठन के भाव से सबको जोड़ने का निरंतर प्रयास किया और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में कटनी जिले में भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का संगठन और मजबूत होकर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना के साथ उनका नाम लेता हूं, श्री अखिलेश पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष, जिनका लगातार हम सबको मार्गदर्शन स्नेह मिलता है और पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आदरणीय श्री रामरदन जी पायल। कटनी विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती आशा कोहली जी। हमारे सामने विराजमान मंच के आदरणीय श्री रामचंद्र जी तिवारी, जो कि मार्गदर्शक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री प्रेरणा पांडे जी, जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। सभी का नाम मैं मंच से नहीं ले रहा हूं, लेकिन मंच के अंतर्ग्रहण से प्रणाम करते हुए अपनी बात को संक्षिप्त में रख रहा हूं, क्योंकि अभी हमें आदरणीय अभिलाष पांडे जी का उद्बोधन सुनना है, क्योंकि उनके उद्बोधन में जो जोश होता है वो हमारी तरुणाई में आएगा और निश्चित रूप से कटनी की भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मित्रों, आज सबसे बड़ा एक शुभ दिन भी है, शरद पूर्णिमा का दिन है, वाल्मीकि जयंती का दिन है, समरसता का दिन है और बड़ा ही सुखद संयोग के साथ अभिलाष जी का आज कटनी में आगमन हुआ और इस कार्यक्रम में इसको सफल बनाने के लिए सभी ने जी जान मेहनत करी, पूरी युवा मोर्चा की टीम लगी रही और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं जानता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ी संख्या और आगे कार्यक्रमों में आएगी, संगठन और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। हम सब ने आज जिस तरीके से अभिलाष जी का स्वागत किया, ऐसी परंपरा निरंतर आगे बढ़े और हम सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें और 2018 के चुनाव में अब की बार 200 पार का जो लक्ष्य है विधानसभा में वो हम पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं, हमारी तरुणाई कृत संकल्पित है। एक एक बूथ में जाकर काम करना है, एक एक मतदान केंद्र में जाकर के काम करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और युवा तरुणाई के साथ में इसको और मजबूती से काम को आगे बढ़ाना है। आज हम इस मंच के माध्यम से सभी का स्वागत